हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज मेरे साथ जो मेरी स्टूडेंट है बहुत एक्साइटेड हैं, और मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है और कहाँ से आती, कौन सा है? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। थोड़ा तेज बोलिए ना। कोमल है मेरा नाम। कोमल, कोमल जैसे आप बोल भी रही, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ हाँ, बताइए। अलीगंज से आती हैं आप? अच्छा जी, कौन सा डे है? सेकेंड डे। कौन सी कार है आपके पास? इंडिको। तो दोस्तों, मैम के पास है टाटा इंडिको, सदाबहार गाड़ी है, फैमिली कार, और आज सीख रही है सेंट्रो से। इनको सेकंड डे है और चलाती बहुत अच्छा है। यहाँ से राइट चलना है, राइट ही राइट टर्न कराना है मुझे। हाफ क्लच लेके, थोड़ा ब्रेक लेके, फुल नहीं, हाफ राइट टर्न करो। चलो, हाफ क्लच फुल नहीं मैम, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। टर्निंग पे कभी भी फुल क्लच नहीं लेना है, अपनी साइड आओ। चलती कार में अगर गाड़ी को रोकना है तो पूरा क्लच देन ब्रेक, ठीक है? अगर कार को धीरे धीरे हमको चलाना है तो वहाँ पे हाफ क्लच और 10% ब्रेक। इतना 50% क्लच, 10% ब्रेक। जब हाफ क्लच आप दबा लोगे तो गाड़ी सेकंड गियर में होने के बाद भी वो स्पीड डाउन हो जाता है, इंजन पूरी तरीके से गियर में एक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है? और आप क्या करते हैं, आप हर बार पूरा क्लच दबा लेती है, जिससे कि इंजन फ्री हो जाता है। अगर आपके सामने ढलान होगी तो गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, समझ गए? और थोड़ा सा चेहरे पर हंसी रखिए, मुस्कुराहट, आप लखनऊ में हैं, ठीक है? ऐसे मत टेंशन बना के रहिए जैसे आपको लग रहा है टाइटैनिक का जहाज डूब गया है। दोस्तों, मैम को होती है राइट में टर्न करने में दिक्कत, है ना? राइट, आज मैं आपको राइट के, जहाँ से स्कूटी जा रही वहीं से राइट जाना। मैं सारे जितने टर्न कराऊंगा सब राइट का कराऊंगा, लेफ्ट का कोई कराऊंगा ही नहीं, राइट और लेफ्ट। अभी यहाँ से राइट टर्न करना, सिग्नल दो मैम, राइट, यहाँ से राइट जाना है, यहीं से। चलो, पूरा क्लच फिर दबा लिया आपने, टर्न करो मैम। पूरा क्लच नहीं दबाना, हाफ क्लच, ताकि गाड़ी गियर में एक्टिव रहे। अगर आप फुल क्लच दबाओगे तो गाड़ी पीछे आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, बैक हो जाएगी, अगर हल्का भी स्लोपिंग हुआ तो, ठीक है? और कूल रहिए, देखिए टेंशन में मत रहिए, अगर टेंशन में रहेंगे तो फिर सीख नहीं पाएंगे, समझ रहे? जितना कूल रहेंगे उतना अच्छा चला पाएंगे। आगे से फिर लेफ्ट लेना है। अभी 100 मीटर पहले आपको सिग्नल देना है, ऊपर को सिग्नल दो, और लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत हुआ करो। अगर आप लेफ्ट का सिग्नल देके राइट कार टर्न करोगे तो पीछे वाला घबरा जाएगा, गलत साइड से टर्न कर देगा। ब्रेक पे पैर रखो, लॉन्ग हॉर्न बजाओ। हाँ, बस यहाँ पे क्लच नहीं लेना है, नहीं लेना है क्लच, बस अभी लेफ्ट टर्न करो। हर जगह क्लच नहीं दबाना होता है, लेफ्ट ही रखो गाड़ी अपनी। गाड़ी जब सीधी करना है जब हमें लगे, और एक्सीलेटर पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अभी राइट का सिग्नल दो नीचे को, और आगे से राइट टर्न करना जहाँ से स्कूटी निकली हो। और टर्निंग के टाइम राइट वाला मिरर चेक करा करो, लेफ्ट वाला मिरर सिर्फ फ्रंट ग्लास से मत देखा करो, आप हमेशा फ्रंट ग्लास से देखती हैं। ब्रेक पे पैर, अभी पहले काट दिया आपने, पहले घुमा दिया गाड़ी। अब बताइए आपने कितना गलत टर्न किया है, किया नहीं किया? आपकी साइड है लेफ्ट, आपने पूरा राइट दबा के टर्न किया, जो सामने वाला आएगा बाइक वाला, स्कूटी वाला, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा? आपको अपना पूरा लेफ्ट दबा के टर्न करना है। टर्निंग से 10 मीटर पहले आपका ब्रेक पे पैर आ जाए, अभी यहाँ से फिर राइट जाना। अब मैं बताता हूँ, देखो कैसे टर्न करते हैं। ब्रेक पे पैर रखो, हाफ क्लच दबाओ, गाड़ी ऐसे लेके आओ, यहाँ से इतनी दूर ब्रेक लो हल्का। हाँ, अभी यहाँ से मैं बताऊँगा, अब राइट टर्न करो, अब टर्न करो। हाँ जाओ, चलो अब छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो। हाँ, अभी सीधी करो फटाफट। अगर यहाँ से अभी ट्रैक्टर भी आ जाता ना तो भी वो निकल जाता, राइट में मैंने इतनी जगह छुड़वा दी है, समझ रहे? और आपने पूरा राइट दबा के टर्न किया था कि अगर सामने से साइकिल वाला भी आ जाता तो वो रोड से नीचे उतरना पड़ता उसको। इस गाड़ी की जो लंबाई है पूरी 12.5 से 13 फीट है, चौड़ाई है 7.5 फीट। अभी यहाँ से फिर राइट जाना, राइट का सिग्नल और ब्रेक पे पैर रख के हाफ क्लच दबा, लेफ्ट दबाओ गाड़ी, हल्का कर्व लेके काटा करो, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, बस वेट, इससे ज़्यादा नहीं घुमाना है, बस अब सीधी करो। आप साइड मिरर क्यों नहीं देखते मैम, साइड मिरर क्यों नहीं देखती हैं आप? ये मिरर अगर आप नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लेफ्ट में कितना स्पेस है? भाई, आपको फ्रंट ग्लास तो आगे का दिखेगा ना, आपकी गाड़ी के लेफ्ट और राइट में, मान लो आपके लेफ्ट में यहीं से राइट जाना, कोई पिलर है और आपने फ्रंट देखा पिछला टायर तो उसमें टकरा जाएगा। राइट का सिग्नल, ब्रेक पे पैर, हॉर्न, स्लो, आधी चीज़ें आप करती आधी करती नहीं है। आप थोड़ा सा ना टेंशन में है, कूल माइंड नहीं है आप, एकदम मेंटली, आप मेंटली, आप ना मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हैं आप, समझ रहे हैं?
कूल माइंड से रहेंगी मैम, तभी मैं देखो आपको बोलता हूँ, आधी चीज़ें आप करती हैं आधी नहीं करती हैं। राइट, हाँ राइट ही जाना है। देखो अब जाके आप सिग्नल दे रहे हो जो कि 100 मीटर बिफोर करना चाहिए आपको, ऐसे तो पीछे वाला भिड़ जाएगा। साइकिल थोड़ी चला रही हैं आप, कार है, क्या हुआ मिर्ची लगी है तो आप इतना टेंशनाइज क्यों हो गई हैं? स्ट्रेट जाना है, टर्निंग से मिनिमम 50 मीटर पहले हॉर्न सिग्नल ब्रेक पे पैर, आप लास्ट मोमेंट पे जाके करती हैं, यहीं से राइट ले लो, चलो सिग्नल दो राइट, हाँ टर्न करो फुर्ती से, अभी सीधी करो फटाफट, हाँ मिरर को ज़्यादा देखना, यहाँ से लेफ्ट लेना है, सिग्नल दो लेफ्ट का, यहीं से यहीं से। स्पीड ज़्यादा है ये आपकी, ये टर्निंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पीड थी आपकी, बहुत ज़्यादा थी। अभी मैंने आपको क्या कहा था, टर्निंग पे आप एक्सेलेटर पे बहुत ज़्यादा भाग रही हैं, जो कि मेरे सिखाने के हिसाब से एक्सेलेटर की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको एक्सेलेटर छूना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको दौड़ाना थोड़ी है, आपको लेफ्ट और राइट का जजमेंट सीखना है। क्या सीखना है? तो फिर जजमेंट के लिए गाड़ी भगानी थोड़ी होती है, यहीं से लेफ्ट जाना है एकदम स्लो करके, राइट से ट्रैफिक आ सकता है। ये ज़्यादा थी स्पीड, बहुत ज़्यादा। मैम गलत बात, कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं आप, कंट्रोल नहीं कर पा रही, ब्रेक ही नहीं लगा पा रही टाइम पे। चलो कोई नहीं, अब सीधा जाना है, आप टाइम पे ब्रेक नहीं ले पा रही ना, फिर ऐसे तो अगर अचानक सामने से कोई आ गया तो आप भिड़ा दोगी, आपसे फिर गाड़ी भिड़ जाएगी। भाई टाइम पे आप ब्रेक लगाइए ना, आप जहाँ बैठे हो यहाँ से 6.5 फीट गाड़ी का बोनट आगे निकला है, जितना आप जब तक आप ब्रेक लगाओगे तब तक सामने वाला चपेट में आ जाएगा। कूल माइंड से चलाइए, टेंशन लेके चलाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं? बहुत कूल होके चलाइए, यहाँ से राइट लेना, सिग्नल दीजिए राइट का। अब देखो स्पीड ही नहीं कंट्रोल कर पाई मैम, क्या करें, आप ब्रेक ही नहीं लगा पा रही हैं, ब्रेक ही नहीं लगा पा रही। चलो कोई नहीं, पीछे जाम लग जाएगा, बढ़ाओ। अब राइट स्टीयरिंग घुमाइए और घुमाओ जल्दी जल्दी, बस अभी सीधी करो, फिर राइट जाना है आगे से, राइट जाना है, हाँ उधर उधर उधर। आप कोमल जी थोड़ा पैनिक हो रही हैं, आप थोड़ा होपलेस टाइप हो रही हैं, आप डिसीजन लेने में बहुत समय लगा दे रही हैं, और फोर व्हीलर ड्राइव करने के लिए ना थोड़ा बिफोर हमको प्लान करना होता है। अभी देखो वहाँ गाड़ी आप रोक पाई, जब सामने आपके थार आई थी आप गाड़ी कंट्रोल कर पाई, अब बोल ही नहीं रही हैं, कुछ हाँ ना का जवाब नहीं देंगी तो फिर मैं कैसे कराऊँगा। चलो सेकेंड गियर करो स्पीड बढ़ा के, ब्रेक पे पैर आया आपका, नहीं आया गियर बदलते टाइम, अभी यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है। हर टर्निंग पे आपका ब्रेक पे पैर होना चाहिए और ब्रेक दबा लिया करो, आपको ब्रेक लगाना भी सही से नहीं आता है, सारा खेल तो ब्रेक का ही है। हाँ ये स्पीड होनी चाहिए टर्निंग पे, अभी जो स्पीड थी, ताकि अचानक आपके सामने अगर कोई आ जाए तो आप गाड़ी को विद इन 1 सेकेंड में रोक सको। अभी दो जगह आपने गड़बड़ करी, जो उससे पहले कट था वहाँ पे भी गड़बड़ करी, अभी जो थार सामने आ गई थी वहाँ पे भी गड़बड़ करी। भाई ब्रेक को हम एक एक परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं ना, कम ना ज़्यादा, ज़्यादा दबाओगे गाड़ी रुक जाएगी, इंजन बंद हो जाएगा, स्ट्रेट, और अगर कम लगाओगे तो फिर गाड़ी टाइम पे रुक नहीं पाएगी। तो प्रॉपर हमको ब्रेक कितना यूज़ करना है, बीच बीच में जैसे स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना, हल्का सा ब्रेक लेके निकालना, एक टायर आपका बच जाएगा, दूसरा टायर आपको बचाना है, उसके लिए हल्का ब्रेक लेना है। हाँ सही किया, अब यहाँ पे हल्का सा आपने क्लच लेके हल्का ब्रेक ले लिया, गाड़ी कंट्रोल में आ गई आपके। स्लो करके, हाँ हाफ क्लच, थोड़ा सा ब्रेक, स्पीड ब्रेकर है बस। वाइट लाइन क्रॉस नहीं करना है, जो ये वाइट लाइन दिख रही है इससे उधर नहीं जाना है, ये एज ए डिवाइडर है, ये इसको हम सोच के चलेंगे कि ये डिवाइडर है, ठीक है? अब जब भी टर्न करने से पहले राइट और लेफ्ट वाला मिरर एक बार चेक कर लिया करो, ये आपकी तीसरी और चौथी आँख है, क्या है? आँख है, जैसे शंकर जी की तीसरी आँख है, ठीक है? अभी हॉर्न, लॉन्ग हॉर्न, यहाँ से फिर लेफ्ट लेना है, सिग्नल दो लेफ्ट का, हाफ क्लच लो, थोड़ा ब्रेक लो,
गाड़ी आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए कोमल जी, क्या नाम है, काजल कोमल, लेफ्ट, हाँ यहीं से, हाँ ये स्पीड होनी चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे कंट्रोल करना है, कार आप कंट्रोल कर रहे हो, कार आपको कंट्रोल नहीं कर रही है, समझ रहे हो। सेकेंड डे है, आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा सा चीज़ें जो मैं एक्चुअल में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आपसे खुद से करा रहा हूँ ताकि कल को जब आप अपनी कार चलाओ तो आपको दिक्कतें ना हो। अब देखो जहाँ से स्कूटी निकली वहीं से राइट लेना है, ब्रेक पे पैर रख के अपना लेफ्ट दबा के हाफ क्लच, थोड़ा सा ब्रेक स्लो करो और लॉन्ग हॉर्न बजाओ, अंधा मोड़ है ना, चलो हाँ ये बस वेट। अच्छा अभी जब आपने गाड़ी टर्न करी तो राइट वाला मिरर चेक किया था, आपको कैसे कॉन्फिडेंस था कि हमारी गाड़ी निकल गई यहाँ से स्ट्रेट? हाँ गलियों में ही चलाना टफ होता है, सीधा सीधा चलाना तो बहुत आसान होता है, एक्चुअल जो आपको लेफ्ट और राइट का जो जजमेंट है वो गलियों में ही आएगा, बार बार जब आप कार को लेफ्ट या राइट टर्न करोगे उसके बाद आपको ये समझ में आएगा आपके लेफ्ट में कितना स्पेस है राइट में कितना स्पेस है। अब देखो यहाँ से जैसे कट है ना, कभी भी इन कटों से कोई भी निकल सकता, बहुत ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाते, गाली होती, लॉन्ग हॉर्न वन टाइम दिया करो, टेपे टेपे करोगे तो कोई उठा के पत्थर फेंक देगा पीछे से, समझ रहे हो, ये गाली होती मैम ये। इन सब गलियों में अगर हल्का स्पीड ब्रेकर है थोड़ा सा ब्रेक ले लो, इन सब गलियों में अगर आप कार चला लेते हो तो कहीं भी ड्राइव कर लोगे स्लो। हाँ ऐसे वन टाइम हॉर्न बजाया करो, गड्ढे में जा रही है, बच गया, एकदम स्ट्रेट जाना है, हाँ गुड। टी पॉइंट से फिर लेफ्ट जाना है, लेफ्ट का सिग्नल, दोस्तों कोमल जी को आज सेकंड डे के हिसाब से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, छोटी छोटी जो कमियां हैं वो चला चला के क्लियर हो जाएंगी। हाँ इसको फर्स्ट गियर में, मैम सेकंड गियर में गाड़ी उठा के सेकंड गियर में कहाँ से बढ़ती है आप बताइए, गाड़ी को रोका जा सकता है, गाड़ी को मूव करने के लिए कौन सा गियर होना चाहिए, फर्स्ट गियर तो लगाया है ना, तो गाड़ी तो बंद हो चुकी ना, इंजन तो बुझ चुका है, आपने लेट कर दिया ना गियर लगाने में, हाफ क्लच पे बिफोर बदलना था ना आपको, और आपने राइट भी देखा भी नहीं, राइट से टेम्पो आ रहा था, आपने नज़र डाली थी नहीं डाली थी, अगर गाड़ी हमको लेफ्ट टर्न करना हो खतरा किधर से होता है, लेफ्ट से राइट से। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।